Hello kids, welcome back. I am Vandana and we are learning English Reader of Class 2 by Brain Root Series. And here's a book, children. The name is Literary Journeys. Today we are going to start with chapter number 9 of your book and the name is Hercules, a brave man. So, क्या आपने कभी Hercules से related कोई कहानी पढ़ी है? क्या आपको पता है कि Hercules कौन है? So let's learn in this chapter. Let's start with the warming up. Hercules was a god in Greek. Hercules कौन थे? वो एक god थे, भगवान थे, Greek and Roman mythology में. Means जो Greek थे या जो Roman लोग थे, उनके god थे वो. Who rose to godhood through many adventures and great deeds. उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए, बहुत बहुत सारे adventures किए, जिसकी वजह से वो god बन गए. In this chapter, we shall study one of his heroic acts. तो इस chapter में हम पढ़ेंगे उनके बारे में. उन्होंने एक heroic act किया था, जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं. So, let's start the chapter. There was a strong and brave man in Greek. So, Greek जो शहर था, वहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा strong और brave man हुआ करता था. His name was Hercules. और उस आदमी का नाम हर्कुलीस था. द किंग ऑफ ग्रीक डिड नॉट लाइक हिम एट ऑल. और जो वहाँ किंग था उस ग्रीस शहर का, उसको जो है बिल्कुल भी हर्कुलीस पसंद नहीं था. ही वॉज जेलस ऑफ हर्कुलीस. वो उससे बहुत जलता था. एंड ही वॉज वेरी पॉपुलर, एज ही वॉज वेरी पॉपुलर इन ग्रीक. क्यों वो हर्कुलीस को पसंद नहीं करता था किंग? क्योंकि हर्कुलीस बहुत ज़्यादा पॉपुलर था, अपने काम के वजह से बहुत ज़्यादा पॉपुलर था लोगों के बीच में. तो इसलिए किंग को हर्कुलीस पसंद नहीं आता था. ही थॉट दैट द पीपल माइट मेक हर्कुलीस द किंग. उसे ऐसा लगता था क्योंकि लोग जो है हर्कुलीस को ज़्यादा पसंद करते हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि सब लोग मिल के हर्कुलीस को ग्रीस का किंग बना दें, इसलिए वो जलता था. देयरफॉर ही वॉन्टेड टू डिस्पोज हर्कुलीस. तो उसने क्या सोचा कि जल्दी से इस हर्कुलीस को अपने शहर से दूर कर दूं, हटा दूं. ही सेट डिफिकल्ट टास्क फॉर हर्कुलीस टू कीप हिम अवे फ्रॉम द कंट्री. वो क्या करता था, जो किंग था वो बार बार हर्कुलीस को ऐसे ऐसे काम दिया करता था जिसकी वजह से हर्कुलीस हमेशा कंट्री के बाहर ही रहे. वंस ही आस्क्ड हर्कुलीस टू ब्रिंग 3 गोल्डन एप्पल्स. अब एक समय की बात है कि वो जो किंग था, उसने पता है हर्कुलीस को क्या बोला? उसने बोला कि जाओ तुम 3 गोल्डन एप्पल्स लेके आओ. आप ही बताओ, एप्पल क्या कभी गोल्डन होते हैं? सम ट्रीज वर सेड टू बियर गोल्डन एप्पल्स इन अ पैलेस कॉल्ड द गार्डन ऑफ हेस्पेरिडस. तो ऐसा माना जाता था कि हेस्पेरिडस का जो गार्डन था, वहां पे कुछ पेड़ ऐसे थे जहां पे गोल्डन एप्पल होते थे. But nobody knew the way to Hesperides. So the king thought of sending Hercules there for a period. तो लेकिन उस Hesperides का रास्ता किसी को नहीं पता था. अब जो किंग ने सोचा कि चलो Hercules को वहाँ भेज देता हूँ, ताकि वो 3 एप्पल को ढूंढने के चक्कर में मेरे राज्य से दूर रहे. Hercules left the court and started फॉर हिज जर्नी. अब हर्कुलीस जो है कोर्ट से निकल चुका था, किंग का ऑर्डर लेके अपनी जर्नी पे निकल गया था. ड्यूरिंग द जर्नी ही मेट 3 यंग वुमेन. अब रास्ते में जाते जाते उसे 3 औरतें मिली. हर्कुलीस आस्क्ड देम द वे टू हेस्पेरिडस. अब हर्कुलीस ने उन तीनों से रास्ता पूछा. दे टोल्ड हिम टू आस्क द ओल्ड मैन ऑफ द सी. उन तीनों औरतों ने उससे कहा कि जाओ तुम जो सी है ना, वहाँ पे एक ओल्ड मैन रहता है, वो ओल्ड मैन ऑफ द सी है, उससे जाके पूछो. बट दे ऑल्सो वॉर्न हिम. लेकिन उन तीनों औरतों ने हर्कुलीस को क्या किया, एक चेतावनी दी. टू सीज द ओल्ड मैन अदरवाइज ही विल एस्केप. तो उन तीनों औरतों ने कहा अगर तुम उस आदमी को पकड़ लोगे तो ही वो तुम्हें रास्ता बताएगा, नहीं तो वो वहाँ से भाग जाएगा, एस्केप कर जाएगा. ही इज द ओनली पर्सन हु नोज अवे. वही वो एक ऐसा इकलौता इंसान है जिसे रास्ता उस हेस्पेरिडस का पता है. हर्कुलीस सॉ द ओल्ड मैन. ही वॉज अ स्लीपिंग ऑन द शोर.
हरकुलिस ने उस आदमी को देखा, बूढ़े आदमी को, और वो जो नदी का किनारा था या समुद्र का किनारा था वहाँ पे सो रहा था। हरकुलिस वॉक्ड टू हिम साइलेंटली एंड सीज हिम वेरी टाइटली। तो हरकुलिस जो है चुपके चुपके उस आदमी के पास गया और उसे एकदम जोर से टाइटली पकड़ लिया। द ओल्ड मैन वोक अप एंड ओपन हिज आई। अब वो जो ओल्ड मैन था वो जल्दी से उठ गया और उसने अपनी आंखें खोली। ही वॉज सरप्राइज टू फाइंड हिमसेल्फ इन द ग्रिप ऑफ अ यंग मैन। जैसे ही वो उठा उसने देखा, वो सरप्राइज हो गया कि मुझे ये किसने पकड़ रखा है। सडनली ही चेंज्ड हिमसेल्फ इनटू अ डियर एंड ट्राइड टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द क्लचेज ऑफ हरकुलिस। अचानक से उस आदमी ने अपने आप को डियर बना लिया, मीन्स एक हिरण में कन्वर्ट कर लिया और हरकुलिस की हाथ से भागने की कोशिश करने लगा। बट हरकुलिस हेल्ड हिम फर्मली। लेकिन हरकुलिस भी एकदम पक्का था अपने बातों का। उसने क्या किया, उस आदमी को बहुत फर्मली मीन्स बहुत ही तेज से एकदम टाइटली पकड़ रखा था। देन द ओल्ड मैन चेंज हिमसेल्फ इनटू अ सी बर्ड। अब उस ओल्ड मैन ने क्या किया, अब उसने सोचा कि मैं डियर बन के तो यहाँ से नहीं भाग पाऊँगा, तो चलो क्यों ना मैं एक सी बर्ड बन जाता हूँ। सी बर्ड क्या होता है, ऐसी बर्ड्स जो सी के आसपास उड़ती रहती हैं। तो मैं एक सी बर्ड बन जाता हूँ एंड देन द टू अदर एनिमल फॉर्म्स या फिर कोई और एनिमल बन जाऊँगा। बट ही कुड नॉट फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द ग्रिप ऑफ हरकुलिस। लेकिन वो अपने आप को हरकुलिस के हाथों से नहीं बचा पाया। बिकॉज हरकुलिस वॉज मेकिंग हिज ग्रिप टाइटर एंड टाइटर। क्योंकि हरकुलिस अपने ग्रिप को उस आदमी को जो पकड़ा था उसने वो और तेज और तेज और तेज पकड़ता रह गया। एट लास्ट द ओल्ड मैन सेड टू हरकुलिस, हु आर यू। जो वो बूढ़ा आदमी था उसने हरकुलिस से पूछा, तुम कौन हो, व्हाट डू यू वांट फ्रॉम मी, तुम्हें क्या चाहिए मुझसे। हरकुलिस रिप्लाइड, आई एम हरकुलिस, मैं हरकुलिस हूँ। टेल मी द वे टू हेस्पेरिडस, मुझे हेस्पेरिडस जाने का रास्ता बताओ। द ओल्ड मैन सेड, इट इज एन आइलैंड, वो तो एक आइलैंड है। गो अलोंग द सी शोर, ये जो समुद्र का जो ये किनारा है ना, इस रास्ते से आगे चलते चले जाओ, चलते चले जाओ, चलते चले जाओ। यू विल मीट अ जायंट, और वहां जाके तुम्हें एक जायंट मिलेगा, एक राक्षस मिलेगा। ही विल शो यू द वे टू हेस्पेरिडस, और वो तुम्हें हेस्पेरिडस का रास्ता दिखाएगा। हरकुलिस कंटिन्यूड हिज जर्नी। अब हरकुलिस अपने रास्ते पे आगे बढ़ चुका था। ही मेट द जायंट, अब वो उस आइलैंड पे पहुंच चुका था और वहां उसे जायंट मिल चुका था। द जायंट वॉज वेरी बिग एंड स्ट्रांग, वो जो जायंट था, वो जो राक्षस था, वो बहुत बड़ा और स्ट्रांग भी था। ही वॉज स्लीपिंग ऑन द शोर, वो भी नदी के किनारे या समुद्र के किनारे सो रहा था। हरकुलिस वोक हिम अप, द जायंट बिकेम एंग्री, और जैसे ही हरकुलिस ने उस जायंट को, उस राक्षस को उठाया, वो जायंट गुस्सा हो गया। ही स्ट्रक हरकुलिस विद द फिस्ट, उसने क्या किया, अपने फिस्ट से जो है हरकुलिस को धक्का मार दिया। हरकुलिस स्टॉप्ड हिज चार्ज एंड हिट हिम विद हिज स्ट्रॉन्ग फिस्ट। तो हरकुलिस ने क्या किया, बदले में उस आदमी का वो जो मार थी उसे रोक लिया और उस आदमी को, उस जायंट को उल्टा उसने मारा। देन ही लिफ्टेड द जायंट एंड थ्रू हिम डाउन, फिर हरकुलिस ने क्या किया, उस जायंट को उठाया और उठा के पटक दिया। बट द जायंट गॉट अप क्विकली, लेकिन जायंट जो एकदम जल्दी से उठ गया। ही हैड बिकम 10 times स्ट्रॉन्गर, अब वो जो जायंट था वो और 10 गुना ज्यादा ताकतवर हो चुका था। हरकुलिस थ्रू हिम डाउन अगेन एंड अगेन, और हरकुलिस क्या करते, बार बार उस जायंट को उठा रहा था और पटक रहा था, फिर उठा रहा था, फिर पटक रहा था। तो ये हरकुलिस बार बार ये काम कर रहा था। बट ईच टाइम द जायंट ग्रू मच स्ट्रॉन्गर, लेकिन जितनी बार भी हरकुलिस उसे उठा के पटक रहा था, जायंट और भी ज्यादा बड़ा और ताकतवर होता जा रहा था। देन हरकुलिस लिफ्टेड द जायंट हाई अप इन द एयर, ही डिड नॉट थ्रो हिम डाउन, फिर क्या हुआ, हरकुलिस ने जायंट को आसमान में उठाया और उसे नीचे नहीं पटका।
Then slowly the giant lost all his strength. और हवा में टंगने के बाद वो जो giant था उसकी सारी ताकत जाने लगी. Now he begged Hercules to put him down on the earth. अब उस giant ने Hercules से बोला कि please मुझे नीचे उतारो. Hercules asked him to tell the way to Hesperides. अब Hercules ने उस giant से कहा मुझे Hesperides का रास्ता बताओ. The giant asked Hercules to meet Atlas to know the way to Hesperides. अब Hercules ने giant ने बोला कि तुम जाओ और जाके Atlas से मिलो, वो तुम्हें आगे का रास्ता बताएगा. Hercules continued his journey and finally he met Atlas. तो अब Hercules आगे जा चुका था, रास्ते में आगे बढ़ चुका था और आगे जाते हुए उसे वहाँ पे कौन मिला? Atlas मिल गया. Why do you want the golden apples? Asked Atlas. Atlas ने कहा तुम्हें वो golden apple क्यों चाहिए? The king has ordered me to bring 3 golden apples, said Hercules. तो Hercules ने कहा king चाहते हैं कि मैं उनके लिए 3 golden apples लेके जाऊं. The place is far away from here, but only I can go there. Hold these sky for me and I will bring them for you, said Atlas. तो अब Atlas ने कहा कि वो तो जगह जो है ना जहाँ पे वो 3 green apple आपको मिलेंगे, वो जगह तो यहाँ से बहुत दूर है और वहाँ सिर्फ मैं जा सकता हूँ. मैं कौन? Atlas जा सकता है. तो तुम एक काम करो, ये मैंने ना अपने सिर के ऊपर स्काई को पकड़ रखा अपने कंधे पे, तो तुम इस स्काई को पकड़ो और मैं अभी तुम्हारे लिए ग्रीन जो गोल्डन एप्पल है वो लेके आता हूँ. Hercules agreed. अब Hercules ने कहा ठीक है. He held the sky on his shoulders. अब उसने अपने कंधों पे स्काई को पकड़ लिया. Atlas walked away. अब Atlas वहां से चला गया. He was back in a short while. और थोड़ी देर में वापस आ चुका था. He placed the 3 golden apples near Hercules. उसने क्या किया, वो तीनों golden apples जो है Hercules के पास रख दिया. Hercules thanked Atlas and requested him to take back the sky from him. अब Hercules ने कहा ये लो, ये जो तुम्हारा स्काई था Atlas, अब इसे तुम वापस ले लो और मैं अपने एप्पल लेके जा रहा हूँ. थैंक यू मुझे एप्पल देने के लिए. Hercules quickly picked the 3 golden apples. He thanked Atlas and walked away towards Greece. तो Hercules ने एकदम से ही उन 3 green apples को उठाया और कहाँ चला गया? ग्रीस की तरफ चला गया. Hercules reached his hometown Greece. अब वो जो है ग्रीक जा चुका था अपने hometown. After many days of travel, काफ़ी दिनों travel करने के बाद, he gave the 3 golden apples to the king. अब उसने वो तीनों golden apples अपने king को दे दिया. The king was surprised to see Hercules alive. King जो है बहुत हैरान था कि Hercules आज भी जिंदा था. He pretended to be dissatisfied. अब जो king था वो dissatisfied होना pretend कर रहा था. He was privately planning to send him away to on another formidable adventure. अब जो king सोच रहा था कि अब Hercules को किस adventure पे भेजा जाए. So children, this was a chapter. Now let's move on to glossary. Jealous means feeling bad for someone's achievement. Dispose of, get rid of, किसी चीज से बाहर निकलना. Next is seized, means held. Grip का मतलब होता है a tight grasp. Clutcher means a tight hold. Club, a heavy stick used as a weapon. Pretended means behave as if something is a fact, but actually it is not. तो किसी चीज़ को देख के ऐसा बिहेव करना कि ये कोई फैक्ट है बट वो सच में नहीं है. फॉर्मिडेबल मीन्स फ्राइटफुल. नाउ चिल्ड्रन लेट्स मूव ऑन टू बुक एक्सरसाइज कॉम्प्रिहेंशन. ए एक्सरसाइज इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. सो ये द फर्स्ट क्वेश्चन इज हर्कुलिस वाज अ स्ट्रॉन्ग मैन इन रशिया, ग्रीक, अमेरिका और फ्रांस.
So he was a strong man in Greek. The dash asked Hercules to bring 3 golden apples. Queen, king, ruler, or courtier. So, king. Hercules met dash young women on his way. So he met 3 young women on his way. So like this, children, you have to complete the exercise. And these 2 questions are your homework. Do them yourself. Now, let's move on to B exercise, which is fill in the blanks using help box. So here the first question is, the king was dash of Hercules. So the king was jealous of Hercules. So let's write here jealous. Now he set dash task for Hercules. So he set difficult task for Hercules. Now the third one is, Hercules left the court and started for his journey. Similarly, children, you have to do the rest 2 questions as your homework. Now let's move on to write true or false for the following sentences. Hercules was a coward man. No, this is false. He was a brave man. The king loved Hercules. King ko Hercules pasand tha. No, this is again false. The king wanted to dispose Hercules. King chahta tha ki Hercules ko wo maar bhagaye. Yes, true. Do these 2 questions yourself. Now let's move on to D part, which is answer the following questions. So who was Hercules? Find out the answer, children, and write it yourself. Why was the king jealous of Hercules? So the king was jealous of Hercules because he thought that people would make him the king. Clear, children? Now, third one, what task was Hercules given to stay away from the country? So he was given the task of bringing 3 golden apples. Now, whom did the old man tell Hercules to meet? Old man ne kisse bola Hercules se milne ko? So he told that he should meet the giant. Like this, children, you have to do question number 5 and 1 yourself. And with this, we have completed the chapter. I hope it's clear to you. I'll be waiting for you with a new video, children. Till then, stay tuned and thanks for watching.